हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट मैं सीमा आज आज मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे बहुत ही अच्छा फेस पैक लेकर के आई हूँ मैं आप लोग के साथ में आज उसको बनाकर शेयर भी करूंगी उसका लाइव डेमो भी दिखाऊंगी रिजल्ट भी दिखाऊंगी बहुत अच्छा है ठीक है अगर आप लोग उसको यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी इससे प्रॉब्लम जो हो रही होती हैं आपको जो पहले की जो प्रॉब्लम है हो रही है आपके फेस पे वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है ठीक है तो आपको जो फेस पे प्रॉब्लम है पहले से लाइक पिंपल हो गया स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो गई ओपन पोज की प्रॉब्लम हो गई अन स्किन हो गई ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई तो ये जो पैक है बहुत अच्छा है इफेक्टिव है बट यहाँ पर शर्त ये है कि अगर आप इस पैक को अप्लाई करते हो तो आपको अपने फेस पे कोई भी फेस वॉश और कोई भी शोप का यूज़ नहीं करना है ठीक है तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इस तरीके से यूज़ कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा अपने नेचुरल ड्यूटी हेयर ट्रीटमेंट चैनल पे ठीक है तो चलिए पहले देख लेते हैं इस पैक को बनाना कैसे है उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर लिखाऊंगी इसका लाइव डेमो रिजल्ट अप्लाई करके उसके बाद से मैं आप लोगों से बताऊंगी कि ये क्या क्या चीज़ें करता है बाकी अगर ना भी बताऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आप यूज़ तो करने वाले हो ना तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन यूज़ करने वाला है इसको ठीक है और चलिए फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ बनाना कैसे ठीक है सो गाइस चलिए पैक बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है चंदन पाउडर चंदन पाउडर आपको यहाँ पर टू टेबल स्पून डालना है अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो ठीक है चंदन पाउडर आपके स्किन पे एक ठंडक देगा और आपके स्किन में जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स हो चुके हैं उनको मिनिमाइज़ करने का काम करता है ठीक है क्योंकि ये ठंडा होता है और आपके स्किन में जाकर आपके स्किन को टाइट करने का काम करता है इस वजह से आपके जो पोर्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसी वजह से मैं कर रही हूँ ठीक है सो गाइज़ नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करें चारकोल पाउडर चारकोल पाउडर आपकी स्किन में जो भी इंप्योरिटीज़ होती है एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर आपके फेस पे पिंपल होते हैं इन्फेक्शन होता है उनको दूर करता है ठीक है इसलिए चारकोल पाउडर का यूज़ किया जाता है ये डीपली जाके आपकी स्किन को क्लींजिंग का काम करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फेस को क्लीन करने का काम करता है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं फुलर अर्थ फुलर अर्थ आपके स्किन पर बहुत ही अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट देता है स्पेशली ये टाइटनिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और टाइटनिंग इफेक्ट अगर आपके फेस पर होता तो आपके फेस पर जल्दी से एज की जो साइंस होते हैं वो नहीं दिखते हैं और आपको बहुत ही जल्दी एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है आपकी स्किन बहुत टाइट रहती है झुरना नहीं पड़ती नेक्स्ट पर ले रही हूँ स्किन वाइटनिंग के लिए देना, है? और आपको बहुत फर्क पड़ता है बट अभी यहां पर का पाउडर से हम टी नहीं बना सकते हैं इसके लिए रूट्स आती है उससे बनाई जाती है टी नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज ऑरेंज पाउडर अगर आप लोग ऑरेंज पाउडर यूज करते हो तो आपके स्किन पे ये विटामिन सी का इफेक्ट देता है और ये भी आपके स्किन वाइटनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है और जैसे आपके फेस पे ऑयली स्किन है तो उसको ख़त्म करने का काम करता है ठीक है तो यहाँ पर हमने इसीलिए ऑरेंज का पाउडर यूज़ किया है आप लोग के साथ मैंने एक यहाँ पर सीरम शेयर किया था विटामिन सी का आप लोग के पास अगर छिलका नहीं है पील नहीं है उसका नेचुरल वाला तो आप वहाँ यहाँ पर इस पाउडर का यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर यहाँ पर मैंने टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि टर्मरिक पाउडर इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं ये सारे ऑल टाइप स्किन के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास हर तरीके रिक्वेस्ट आती है इसीलिए मैंने यहाँ पर यही सारी चीज़ें सोच करके ये पाउडर और ये जो पैक है ये रेडी किया है बहुत अच्छा है बहुत ही इंस्टेंट वर्क करता है तो आप लोगों को पता है टर्मरिक का क्या काम है नेक्स्ट मैं यहाँ पर रोज़ पेटल यूज़ कर रही हूँ रोज़ पेटल का काम क्या है आप लोग को बता देती हूँ मैं यहाँ पर तो मैंने शेयर किया है बट क्या करता है जब आप इसको लगाते हो इससे आपके फेस पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है काफ़ी स्पीडली होता है है जिससे आपकी स्किन ऐसे ही ग्लोई होना स्टार्ट हो जाती है, और नए सेल्स जो होते हैं हमारे फेस पे जो डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है नए सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे आपकी फेस वैसे ही बहुत अच्छा लगता है बट आपको अगर इस पैक को यूज करना है आप इसको रोज भी कर सकते हो एक टाइम अगर आप रोज नहीं करना चाहते हो तो आप हफ्ते में दो से तीन बार भी कर सकते हो अगर आप रोज करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं यहां पर मैंने तीन से चार विटामिन ई की कैप्सूल ली है ये इसलिए ली है कि हमारे फेस पे बैलेंस रहे ऑयली तो स्किन है तो भी बैलेंस रहेगा ड्राई स्किन है तो भी बैलेंस रहेगा और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी बैलेंस रहेगा ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीन विटामिन ई की कैप्सूल ऐड की है यहां पर आप कोई भी विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर एक चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल डाल सकते हो बाल में लगाने वाला आलमंड ऑयल अलग होता है और फेस पर यूज करने वाला अलग होता है नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूं जेरेनियम एसेंशियल ऑयल ये आपके स्किन को टाइट करने का काम करता है इसमें होल कम है इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर पचास डाल दी हैं बट मैंने यहाँ पर दो बूंदे ही डाली है मैंने होल यहाँ पर कम किया है इसलिए क्योंकि आ, कल परसों क्या हुआ था मेरा एक एसेंशियल ऑयल पूरा बर्बाद हो गया वो लुढ़क गया था कृष्णा ने उसको जाकर स्टोर रूम में बराबर कर दिया था मेरा सारा मेकअप का सामान तो वो लुढ़क गया था वो धीरे 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 करके सारा का सारा गिर गया नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसको अच्छा सा ठीक पेस्ट देने के लिए यहाँ पर ऐड कर रही थी रोज वाटर रोज वाटर बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ फूड कलर ग्रीन कलर ठीक है अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है आपको यूज़ करना ठीक है अगर आप चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा और नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है इससे आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बस ये है कि हाँ, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे तरह के कलरफुल पैक रह जाएंगे अगर आप बना बना करके यूज करते हो तो ठीक है अगर आपको लगता है आप इस पैक को सबसे पहले तो थोड़ा सा बनाइएगा ठीक है अगर आपकी स्किन को सूट होता है तो आप यूज़ कीजिएगा नहीं होता है तो आप मत यूज़ कीजिएगा मैं यहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं बाद में कोई ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि मेरे फेस पे ये हो गया मेरे फेस पे वो हो गया एक आज जिस सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि दी मैंने आपकी हेयर रेमेडीज़ को यूज़ किया है वो भी बॉटल गार्ड ऑयल और एलोवेरा ऑयल है एलोवेरा टोनर है है ना बहुत अच्छी अच्छी जो मेरे पैक्स हैं जिनकी आप लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है और मैंने खुद से यूज़ किया तो वो कह रही है मुझे एलपीसी की प्रॉब्लम हो गई है तो इज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ अगर वो मेरी वीडियो वॉच कर रही हो तो उनको भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि एलोपीसिया की जो प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल होती है जेनेटिक नहीं जेनेटिक भी होती है ठीक है ये नहीं होता है कि आप किसी पैक को यूज़ करो तो आपको उससे एलोपीसिया की प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो मैंने इस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रखी है आप उसको देखिए आपको बहुत फर्क लगेगा अगर आपको लगता है तो आप उसको यूज़ कीजिए फर्क लगेगा आपको ठीक है बट मेरी रेमिडीज़ से आपको एलोपीसिया की प्रॉब्लम नहीं हुई है ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी था क्लियर करना इसलिए मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है ठीक है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि ये बात उन तक पहुँच जाए ठीक है और आप लोग मेरी सारी रेमेडीज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो फॉलो तो कर रहे हो तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इसी तरीके से आप लोग हम अपना प्यार बना के रखिए मैं आप लोग के साथ में आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं तो नहीं जाऊँगी बट ये है कि हाँ मैं आशीष को चीज़ें लिख करके नोट करके भेज दूंगी वो ले आएंगे और मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके की शोक शेयर करूँगी पैक पैक शेयर करूँगी स्किन वाइटनिंग हैं, हैंड वाइटनिंग ऑल ओवर बॉडी वाइटनिंग पॉलिशिंग सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ में मैं पॉलिशिंग का प्रॉपर किट शेयर करूंगी जो फुल ब्राइडल पैकेज होता है वो भी शेयर करूंगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइज आप लोग थोड़ा सा पेशेंट बना के रखिए क्योंकि चीज़ें मेरे पास भी नहीं है लिमिटेड चीज़ें हैं अगर मुझे कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ जाए कुछ करना पड़ जाए तो फिर मेरे पास चीज़ें नहीं रहती हैं अब ये था तो मैंने कहा चलो इसका मंगा लिया है ये सारी चीज़ें मेरे पास थी कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो ले आए थे जैसे रोज़ वाटर मेरा खत्म हो गया था तो बेबी ले आए थे तो मैंने यूज़ कर लिया ठीक है इसलिए मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया तो ये यहाँ पर हमारा फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से पैक बन गया है अगर आप चाहो तो इस पैक को सारी चीज़ें ऐड करके मिक्स करके पहले तो थोड़ा सा बनाना उसके बाद से सारी चीज़ें मिक्स करके आप ग्राइंडर जार में भी इसको ऐड कर सकते हो ठीक है आप इस पैक को कम से कम एयर टाइट में छः महीने के लिए स्टोर कर सकते हो वन ईयर के लिए भी स्टोर कर सकते हो बट अगर आप इसको एयर टाइट में रखते हो तो देन मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले रही हूँ बिल्कुल साफ़ क्लीन कंटेनर है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पैक इसलिए बनाया है बिकॉज यहाँ पर मेरे पास जो ये पैक है ऑलरेडी बना हुआ है जब आप इसको फ्रिज में स्टोर कर दोगे तो ये जो पैक है इसकी जो थिकनेस है बहुत अच्छी हो जाएगी और ये पैक बिल्कुल स्मूथली आपके स्किन पे ग्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देगा जब आप अपने फेस पे इसको लगाओगे अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर दही से मसाज करना देन इसको अप्लाई करना और बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है नहीं तो लाइन्स पड़ जाएंगे रिंकल्स पड़ जाएंगे क्योंकि ये फेस पे आपके स्किन वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग का काम करेगा और पोर्स को आपके मिनिमाइज करेगा तो इसलिए सोच समझ करके आप बात कीजिएगा किसी से भी ठीक है तो यहाँ पर मैंने सारे पैक्स को पैक को निकाल लिया है सॉरी पैक्स बोल दिया तो मैंने यहां पर सारा ये पैक निकाल लिया है अपना एक कंटेनर में छोटे से कंटेनर में डाल दिया है और कंटेनर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए साफ होना चाहिए नहीं तो पैक खराब हो जाएगा ठीक है तो यहां पर ये लीजिए हमारा जो पैक है बिल्कुल रेडी है इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे हिला हिला करके तो चलिए ये जो पैक है हमारा आप लोग देखिए इसको और उसके बाद से मैं आप लोग को शेयर करती हूँ इसका एप्लीकेशन और रिजल्ट लाइव रिजल्ट तो चलिए देख लेते हैं इस पैक को क्या करना है आगे सो so गाइज़ इसको मैं रखूंगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए तो चलिए ये लीजिए पैक रेडी हो चुका है तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं उसके बाद इसको 20 मिनट बाद निकालेंगे उसके बाद देखेंगे इसका एप्लीकेशन तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज में 20 मिनट बाद इसको निकाल करके फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग को इसका एप्लीकेशन इससे क्या होगा ये सेट हो जाएगा और आप इसको एक से दो दिन भी फ्रिज में रख सकते हो ठीक है उसके बाद आप बाहर भी रख सकते हो सो so, वाइज मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन इसका और इसको आप लगाइएगा तो अपने फेस पे दही से मसाज कीजिएगा अगर आप इसको दही से फेस पे मसाज करके लगाते हो तो आपके फेस पे जो भी ऑयली ऑयली स्किन है आपकी वो रिमूव हो जाती है और आपके स्किन पे इंस्टेंट वर्क करता है ये पैक ठीक है तो क्योंकि दही में भी बहुत ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं मैं आप लोग के साथ में दही का हेयर टोनर और दही का फेस टोनर जरूर से ज़रूर शेयर करूँगी थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग फिर मैं शेयर करूँगी ठीक है तो यहाँ पर मैं अपने पैक आ, इस पैक को पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी आप इसको थोड़ा सा ऐसे लगाइएगा अगर आपके फ़ेस पे लगता है कि आपको जलन हो रही है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और एसेंशियल ऑयल का याद से आपको कम यूज़ करना है और जिनके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है वो बिना एसेंशियल ऑयल के भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है जिनके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो जो चीज़ें हैं उनके पास वो चीज़ें भी ऐड करके आप यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और इस पैक को लगाने के बाद आपको खुद ही बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस का फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं इस पैक को लगाती हूँ हफ्ते में दो बार और फिर मैं लगा करके इसको वॉश कर देती हूँ देन मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ और भी मैं इसके बाद मॉइस्चराइजर में यूज़ करती हूँ देसी घी ठीक है देसी घी से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है ग्लोई हो जाती है बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है ठीक है कल मैं आप लोग के साथ में देखती हूँ अगर मुझे सौंफ मिल जाता है तो मैं आप लोग के साथ में सौंफ का ऑयल शेयर करूँगी और सौंफ का हेयर टोनर क्योंकि मैं नेक्स्ट वही यूज़ करने वाली हूँ ठीक है इसलिए वेनसडे से मैं उसको उसको ही यूज़ करने वाली हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना जो ऑयल लगाया हुआ है अपने बालों में वही लगाया है जो री हेयर ऑयल मैंने आप लोग के साथ में सेवन डेज वाला जो शेयर किया था वही वाला है ठीक है और अपने चैनल सीमा ब्लॉग पे मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी सेवन डे अपनी हेयर केयर रूटीन तो आप लोग देख लीजिएगा उसको फॉलो कीजिएगा बहुत अच्छा आप लोग के लिए रहेगा क्योंकि ये रिक्वेस्ट आ रही थी तो ब्लॉग पे ही सोच रही हूँ शेयर कर दूंगी अपनी डेली रूटीन के साथ में ठीक है तो कल से वो रूटीन आप लोग के साथ में आ जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा उसको और आप लोग उस तरीके से फॉलो कर सकते हो क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं तो आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से पैक को लगा लिया है और जो पैक का कलर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल मेरे सूट से मैच कर रहा है और अब मैं यहाँ पर अपनी डाइट को भी बढ़ा रही हूँ ठीक है तो आप लोग देखोगे थोड़े दिन बाद मेरी जो डाइट है बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि बस ये है कि नींद नहीं हो पा रही है मेरी कंप्लीटली तो चलिए मेरा ये जो पैक है अच्छे तरीके से लग गया है और इसको मैं वॉश करके आऊंगी अभी थोड़ी देर में तो ये देखिए कम्प्लीटली अच्छे से ड्राई हो चुका है वॉश करके मिलते हैं सो गाइज यहाँ पर मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो इसका जो इफेक्ट है बहुत ही अच्छा आ रहा है और आप इसको फेस को रगड़ के नहीं पोचिएगा डैप कर करके आपको इसको वाइप आउट करना है देन अपना फेस पर आप कोई भी टोनर मिस्ट जो भी आप यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिए और अपने फेस में मैं तो आप लोग को यही कहूँगी कि देसी घी से मसाज कीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है देसी घी का आपके स्किन में बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी रहता है उससे आपकी स्किन में शाइनिंग भी रहती है तो चलिए मैं आप लोगों को मिलती हूँ आगे फेस टू फेस बातें करती सो so गई आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारे के साथ में शेयर कर दीजिएगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय लव यू टेक केयर